एक्सीलेंट कोचिंग क्लासेस, वेलकम टू द एक्सीलेंट कोचिंग क्लासेस। फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ फ्यूचर इनडेफिनेट टेंस की। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में प्रेजेंट इनडेफिनेट और पास्ट इनडेफिनेट समझाया है आपको उसके बारे में सारा डिटेल बता दिया है। आपने वो वीडियो देखी होंगी, आपको अच्छी लगी तो आप उस पर शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब कीजिए। अब मैं आपको सिखा रही हूँ फ्यूचर इनडेफिनेट और सेंटेंसेस और टेंसेस के कंपैरिजन में काफी इजी है। इसमें आपको सब्जेक्ट, सबसे पहले हम अफर्मेटिव करेंगे, इसमें आप सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब मीन्स विल, शैल, प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, शी विल ईट राइस। इसकी जो हिंदी पहचान होती है वो होती है गा गी गे, यानी काम फ्यूचर में होता है, इसकी हिंदी पहचान ये होती है। शी विल ईट राइस, वह चावल खाएगा। तो शी सब्जेक्ट हो गया, विल हेल्पिंग वर्ब हो गई, ईट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और राइस। अब क्वेश्चन ये उठता है कि विल और शैल कहाँ पर यूज किया जाए। पहले की ग्रामर थी उसमें शैल का यूज किया जाता था, आई और वी के साथ किया जाता था, लेकिन अब मॉडर्न इंग्लिश में सबके साथ विल का यूज होता है, तो ये कंफ्यूजन पूरी तरह से अब रिमूव हो चुका कि आपको शैल का यूज कहाँ करना है। कहीं नहीं करना, आपको सबके साथ विल का यूज करना है। जैसे आपका आ गया दे विल गो टू स्कूल, वे स्कूल जाएंगे, तो दे थर्ड पर्सन, विल आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई, गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, ऑब्जेक्ट स्कूल। अब हम स्टार्ट करते हैं नेगेटिव। नेगेटिव में ऐसी बनेगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब विल प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखो, नेगेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हमेशा ये याद रखना कि सब्जेक्ट के बाद जब हेल्पिंग वर्ब आती है, हमेशा हर एक टेंस में हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई विल नॉट डू दिस वर्क, मैं यह काम नहीं करूंगा। तो आई सब्जेक्ट हो गया, इसके साथ विल हेल्पिंग वर्ब लग गई, नॉट क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए यहां पर नॉट लग गया, डू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट, शी विल नॉट सिंग ए सॉन्ग, वह गाना नहीं गाएगी। शी सब्जेक्ट, विल हेल्पिंग वर्ब, नॉट नेगेटिव वर्ड, सिंगर सॉन्ग, क्लियर। नेक्स्ट, इंटेरोगेटिव में हम विल और शैल को स्टार्टिंग में रखते हैं। अब शैल तो क्योंकि अब लगना ही नहीं, तो हम कहें सिर्फ विल को स्टार्टिंग में रखते हैं, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, वो बिल्कुल वैसा ही रहेगा जैसा अफर्मेटिव और नेगेटिव में होता है। फॉर एग्जाम्पल, विल दे बाय ए साड़ी फ्रॉम मार्केट। अब विल इंटरोगेटिव वर्ड हो गया, क्या वे मार्केट से एक साड़ी खरीदेंगे, तो विल इंटरोगेटिव वर्ड हो गया, वो स्टार्टिंग में आ गया, फिर दे सब्जेक्ट लग गया और उसके बाद सेंटेंस को हमने कंप्लीट किया। सिर्फ विल सीता
कुक द फूड, क्या सीता खाना बनाएगी, ये इंटरोगेटिव हो गया। अब डब्ल्यू एच फैमिली से भी इंटरोगेटिव होता है। डब्ल्यू एच फैमिली वाले जो भी इंटरोगेटिव होते हैं उसमें वो डब्ल्यू एच फैमिली वाले वर्ड को स्टार्टिंग में लगा दिया जाता है, फिर विल या शैल को लगाया जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगा के सेंटेंस को कंप्लीट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हु विल डू दिस वर्क, हु विल डू दिस वर्क, व्हाई विल यू गो देयर। तो फ्रेंड्स, ये डब्ल्यू एच फैमिली वाले वर्ड्स हैं, इनको स्टार्टिंग में लगाया जाएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाई जाएगी, फिर सब्जेक्ट और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लगाकर सेंटेंस को कंप्लीट किया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, ओके फ्रेंड्स, अब मैं आपके साथ एक नई वीडियो के साथ मिलूंगी, उसमें मैं आपको कॉन्टिन्यूस सेंटेंसेस सिखाऊंगी, टेंस सिखाऊंगी। तब तक के लिए गुड बाय, जय माता दी।